हेलो एवरीवन, बच्चों आज मैं आपको एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स आती है उसका सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया। आपने देखा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत बेहतरीन जॉब आपको प्रोवाइड करता है। इसमें एक एग्जाम होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। सीजीएल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, डबल एओ बन सकते हो, एमईए में जा सकते हो, इसमें आप ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो, मिनिस्ट्री में लग सकते हो। तो बहुत ही रेपुटेड पोस्ट, गुड मनी एंड गुड पोस्ट। इवन इसमें एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर बन सकते हो, आपको यूनिफॉर्म मिल सकती है। तो ये बड़ा फेमस है नाउएडेज, स्टूडेंट के बीच में बहुत फेमस है एसएससी का एग्जाम, वो भी सीजीएल। ठीक है, आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हो। तो बच्चों आप देखते हैं वो जो सीजीएल, अच्छा इसके अलावा भी और एग्जाम है जैसे, अच्छा सीजीएल के थ्रू भी आप क्लर्क बनते हैं है ना, पर उसमें आपका थोड़ा सैलरी अच्छा होता है। इसके अलावा क्लरिकल जॉब के लिए सीएचएसएल का एग्जाम है, इसके लिए आप अगर आपने 12th पास किए तो आप एलिजिबल हैं। और थोड़ा सा और नीचे जाएं तो एमटीएस का जॉब भी आप भर सकते हैं। और यूनिफॉर्म की बात करें तो जीडी कांस्टेबल की जॉब इसमें मिलती है। और हम बात करें और अच्छी पोस्ट सीपीओ में है ना, एसआई वैसे, और स्ट्रेनो भी इससे होता है, पर स्ट्रेनो में मैथ्स नहीं आता। सो ये जो जॉब है, ये जो सारी वैकेंसी आपकी निकलती है, इसमें मुझे लगता है कि मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपकी सिलेक्शन होगा, ये भी डिसाइड करता है। और उसमें भी अच्छी रैंक अगर आपको लानी है तो मैथ्स आपका डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इन सब एग्जाम में पहला होता है फर्स्ट टीयर वन में चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, सबका वेटेज सेम है, बट जो टीयर टू होता है इसमें सिर्फ दो सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन मिलते हैं, यहां पे आपको मैथ्स के 100 क्वेश्चन मिलते हैं। एक घंटे में आपको करने पड़ते हैं 100 क्वेश्चन, और यहां पर आपको दो घंटे में करने पड़ते हैं 100 क्वेश्चन। तो यहां पर एक बात जाननी है कि अगर आप इस सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो जिसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट और है ना रेपुटेशन प्लस सैलरी दोनों होगी, तो उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उस प्लानिंग का सबसे पहला स्टेज होता है कि आपको पता तो हो कि इस एग्जाम में आता क्या है, सिलेबस। और सिलेबस ऐसे नहीं ऐसे रैंडमली बस आ गए कि चलो मैथ्स आते हैं 10th क्लास की, नहीं बच्चा, उसमें भी आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक में थोड़ा कम देना है। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अच्छा एक और बात, जब लोग तैयारी करते हैं, मैंने ये देखा कि तैयारी करते हैं आते हैं गलत है ना, गलत रास्ते में चल जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उल्टी फुल्टी बातें, जिनका सिलेक्शन नहीं हो गया उनकी बातें सुनते हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी गलत गाइड करते हैं, करते करते 2-3 साल हो जाते हैं, और 2-3 साल बाद उनको पता चलता है कि अरे यार मुझे अब पता चला कि मुझे क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था, ये हो गया गड़बड़। तो उस सिचुएशन में आपको नहीं आना है, क्योंकि मैं यहां पर हूं, मैं आपको सारे आज डाउट क्लियर करूंगा। और वो आपके 2-3 साल जो बच्चे के, मोस्टली बच्चों के वो खराब हो जाते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहला रास्ता है कि आपको पता तो हो आएगा क्या। ओके, तो बच्चों कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहला स्टेप जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वह है सिलेबस, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर हम मैथ्स की बात करें, जो कि मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि मैथ्स एक स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आप इससे दोस्ती कर लेते हो तो ये आपको बहुत अच्छी रैंक देगा, और अगर आप इससे दोस्ती नहीं करते हो तो यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे तक। मैथ्स में अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के एरिया है। पहला हम एरिया की बात करें तो हम होता है अरिथमेटिक, अंकगणित कह सकते हैं उसको, और दूसरी की बात करें तो होता है एडवांस मैथ्स। ठीक है, पहले एसएससी में सिर्फ अर्थमेटिक आता था, उसके बाद इन्होंने एडवांस मैथ्स को भी ऐड कर दिया। इसलिए आजकल लोग है ना एसएससी से बहुत डरते हैं कि नहीं सर एसएससी का मैथ्स तो बहुत हार्ड है, जबकि आप मेरे व्यू में देखें कि एसएससी का मैथ्स हार्ड नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ें, कैसे, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि ये सब टॉपिक है ना आपस में कहीं ना कहीं लिंक जरूर है।
अच्छा वो लिंक किसको पता होगा, जो हर चीज के बारे में जानता है। रटी हुई मैथ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आएगा क्या। जैसे अगर मैं पहला टॉपिक की बात करूं, अच्छा जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, मैं किसी को सलाह दूं कि बच्चों आपको चलो तैयारी करना बिल्कुल जीरो से, तो सबसे पहले कुछ टॉपिक पे फुल कमांड होनी चाहिए। लाइक ए परसेंटेज, परसेंटेज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज या फिर हिंदी में बोले प्रतिशत, प्रतिशत पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। अच्छा परसेंटेज अगर आपको आता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका लाभ एवं हानि भी कवर हो जाएगा। अच्छा अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है और प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको पता है तो डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डिस्काउंट या फिर बट्टा। तो ये सब आपके टॉपिक हैं। अच्छा मेरा व्यू है, मैं अपनी जो मैथ्स है उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, रटी हुई मैथ्स या कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले पे नहीं जाता, कि छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे मैथ्स पढ़ते हैं। तो ये लगने में तो 10th क्लास की मैथ्स है, बट 10th क्लास की मैथ्स से आपका फाउंडेशन बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा, बट आगे आपको कॉम्पिटिशन की मैथ्स के लिए थोड़े से ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम है ना बच्चा बहुत कम टाइम लगता है, और कम टाइम में आपको करना है मतलब स्पीड मैथ्स चाहिए, तो स्पीड मैथ्स, पर उससे पहले क्वालिटी पे वर्क करना है। मैथ्स का जब क्वेश्चन आएगा और आप उसको देखने लगोगे और सोचोगे, वो सोचने का टाइम मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट को हम परसेंटेज के सिंपल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त, साधारण ब्याज। अच्छा पांचवा टॉपिक में बात करूं तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपने इन सबको स्टार्टिंग में क्यों लिखा, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं तो कहता हूं ये पूरा एक ग्रुप है, ये आपस में सब लिंक है, ठीक है। तो ये पहला आपका ग्रुप मान लेते हैं। अच्छा और बात करें कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कि और एक और फंडामेंटल टॉपिक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना बच्चों, अनुपात एवं समानुपात। जैसे परसेंटेज आपका बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है, वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन फंडामेंटल टॉपिक है। अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन से लिंक बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे एजेस वाले क्वेश्चन, उम्र पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको मिलेगा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, साझेदारी वाले क्वेश्चन, ठीक है। यही रेशियो का कॉन्सेप्ट आगे आपको लगता है मिक्सचर में, मिश्रण, मिश्रण एलिगेशन में लगता है, एलिगेशन प्रमिश्रण में लगता है। तो ये सब टॉपिक आपस में लिंक मुझे लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अच्छा इसके अलावा हम और बात करें तो वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम टाइम एंड वर्क वाले ग्रुप में। कहाँ लगाते हैं बच्चों? टाइम एंड वर्क वाले ग्रुप में, समय एवं कार्य। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, वही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं होज, ठीक है। और आपको इसी में मिलता है आपको वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस, कार्य एवं भुगतान, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक आपस में लिंक है, ये तीनों टॉपिक में कह सकता हूं लिंक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है, और इसमें देखो और अगर हम बात करें, मैथ्स और फिजिक्स का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन पूछा जाता है आपसे टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड डिस्टेंस में, समय एवं दूरी। और इससे से रिलेटेड कुछ टॉपिक और हैं, लाइक ए ट्रेन, वैसे ट्रेन इसी में हम पढ़ सकते हैं पर इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ट्रेन के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें हम कह सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब एक ही फंडा है बच्चों, नाव एवं धारा। इसमें एक टॉपिक जो सीपीयू में अक्सर पूछता है, सीजीएल में भी आया हुआ है, दैट इज रेस, रेसेस, दौड़,
मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूँ जिसके बाहर नहीं आएगा, सब यहीं से, ठीक है। 17 टॉपिक आपने देखे अर्थमेटिक के, बट लिंक है सब, टेंशन नहीं करना, लिंक है सब। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें हम, तो एक और बहुत फंडामेंटल टॉपिक मुझे लगता है एवरेज, औसत, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक, वैसे ये जो टॉपिक है जैसे एलसीएम एससीएफ, ये हम नंबर सिस्टम में भी कई बार कवर करते हैं, पर इसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। एलसीएम एससीएफ ये भी एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये आपके आते हैं किसमें बच्चों, आते हैं अर्थमेटिक में। और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, ये पूरा एक ग्रुप है, इट इज योर फर्स्ट ग्रुप एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। यहां पर आपके एग्जाम में अगर मैं मोस्टली देखूं, है ना, 5 साल के एग्जाम की स्टडी देखूं, तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो मिल ही जाता है आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और इन दोनों के मिलाकर एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वेटेज रहता है टीयर वन में। टीयर टू में तो हर टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरे ग्रुप की बात करें तो हम बात करें कि ये देखो, अरे इट्स टू गुड, ये पूरा एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। इस ग्रुप में भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये वाला ग्रुप, बट फिर भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, एजेस पार्टनरशिप के मिलाकर कई बार एक ही क्वेश्चन आता है, कभी एजेस का क्वेश्चन आएगा, कभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा। मिक्सचर एलिगेशन के भी आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, ये मोस्टली आपका रहता है। अच्छा, अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें अपना ये ग्रुप होगा ये वाला, टाइम एंड वर्क, इसके तो क्वेश्चन आएंगे, वन क्वेश्चन तो आएगा। अच्छा, आप बोल रहे सर वन क्वेश्चन, बच्चा एक एक क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी रैंक हो जाती है, एक क्वेश्चन सही हुआ आपकी रैंक उछल कर एकदम ऊपर आ गई। तो इसलिए आपको अगर एसएससी के इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ्स में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। हाँ, बस वो जरूर है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, जो आजकल बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, उल्टे फुल्टे क्वेश्चन करते हैं, इतने हार्ड हार्ड है ना कैट लेवल के क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं कि सर इसकी तैयारी करना चाहिए, क्या पता कि आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैथ्स बहुत आसान आती है, हाँ थोड़ा एडवांस मैथ्स में आपका मतलब माइंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर कहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है, वो थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी, ठीक है। अर्थमेटिक में तो बहुत आपको अच्छा मिलेगा। तो ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप है। टाइम एंड डिस्टेंस बॉर्डर स्ट्रीम ये सब एक ही तो है बच्चों, मैंने लिख जरूर दिया, पर ये है आपका फोर्थ ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? फोर्थ ग्रुप ये आ गया, ठीक है। हाँ, एवरेज को मैं अलग टॉपिक मान सकता हूँ, ये आपका फिफ्थ ग्रुप आ गया बस। बाकी ये तो सिंपल ऐसे फंडामेंटल टॉपिक है एलसीएम एससीएफ, जो कि लगभग बहुत सारी जगह काम आएगा, ठीक है। मोस्ट इस टॉपिक को हम नंबर सिस्टम में देखते हैं। तो आप देख लो अर्थमेटिक का ये सिलेबस है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको, अभी हम बात करें एसएससी की, तो मैं एक रफली कह सकता हूँ कि 50% तो अर्थमेटिक आता है और 50% एडवांस मैथ्स आता है। तो एडवांस मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एडवांस मैथ्स में क्या क्या टॉपिक होते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स के टॉपिक बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली, इसी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं सिंप्लीफिकेशन भी इसी में आ जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, आपने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, पर आपके एग्जाम की बात करें तो इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलो आपको नंबर सिस्टम से मिलते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें दूसरी की बात करें सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलजेब्रा, एलजेब्रा या बीजगणित, इसी में हम सिंप्लीफिकेशन और एलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चन लाइक इंडस्ट्री सर्च भी इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड सर्च, हिंदी में इसको बोलते हैं घात एवं कर्णी, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आपके टॉपिक है ना, आपको मतलब है ना दिल से खुशी होगी ये टॉपिक पढ़कर,
क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं एक बार समझना पड़ता है, वो भी जीरो से पढ़ना पड़ता है। एक बार आपने जीरो से पढ़ा मजा आएगा। और आप, मैं बता रहा हूँ आप बच्चों, अभी मुझे नहीं पता आपकी क्या हॉबी है, पर आपकी मैथ्स हॉबी बन सकती है इस एडवांस मैथ्स को पढ़कर। कि अरे मैथ्स तो मुझे इतना पसंद है कि मैं जब भी टाइम पास करना होता है तो मैथ्स के क्वेश्चन लेकर बैठ जाता हूँ या बैठ जाते हैं। तो ऐसा दिल से पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा नहीं, टॉप करोगे। तो इन पे बहुत वर्क करना है, बहुत मेहनत करना है। मैं आपको है ना, एडुकेमी हमारा चैनल है, एडुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो इस पे हम एक पूरी सिस्टमैटिक आपको स्टडी दे रहे हैं। आप फ्री बैच भी यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे बैच आप एप्लीकेशन पे भी होते हैं, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी वे में आप बहुत अच्छे से हम आपको तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, और बात करें इसमें, तो इसमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक मुझे लगता है, ज्योमेट्री। ज्यामिति, और ये वो ज्योमेट्री है जो कि डिसाइड कर देता है कई बार टीयर टू में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ज्योमेट्री में सब टॉपिक खूब सारे, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं। लाइक इसमें आपको मिलेगा ट्राइंगल, त्रिभुज, यू विल गेट बच्चों सर्किल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल एंड सर्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स, पूरी मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैं मानता हूं। थर्ड इसमें हम कह सकते हैं, इसमें आपको मिलेंगे क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटर में कवर होंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, हिंदी में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये चार टॉपिक्स में कवर होंगे, ठीक है। वो उसके और भी सब टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे पॉलीगन आपको मिलेगा, पॉलीगन या फिर बहुभुज। इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। मुझे ऐसा याद है कि बिफोर 3 and 4 ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लोग है ना स्किप कर जाते थे टीयर वन में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते नहीं थे, कहते थे टीयर टू के लिए पढ़ लेंगे बाद में। उसके बाद मैंने देखा कि 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि एक एग्जामिनर को बड़ा पसंद था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसने उसके क्वेश्चन दे दिए हर सेट में। बच्चे कन्फ्यूज कैसे करें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, टाइम आपके पास अच्छा सा टाइम लो, अपना पूरा फंडामेंटल हर टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करनी है बच्चों इसमें। अच्छा, ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री की बातें हम मेंसुरेशन में लिखते हैं, मेंसुरेशन या हिंदी में इसको बोल देते हैं क्षेत्रमिति, मतलब मैं जहां पर भी एरिया की बात करूंगा दैट इज मेंसुरेशन। और इसमें एरिया की जहां बात करते हैं वो टू डायमेंशनल में आपको टू डायमेंशनल फिगर मिलते हैं, वो सारे जो मैंने यहाँ पे बात की, ठीक है। इसके अलावा मेंसुरेशन में एक होता है 3D, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D। हाँ, अब देखो वही तो है ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट वे में स्टडी करना है। मेंसुरेशन 3D का एक ही क्वेश्चन मिलेगा 25 में से, बट इसके 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे टीयर 2 में। तो तैयारी तो अच्छे से करनी है, पूरा समझ के। इसमें लोग पता नहीं क्या क्या कंफ्यूज करते हैं, बहुत से बच्चे इतनी मोटी मोटी किताब लेके पढ़ना लग जाते हैं और वो कहलाता है डाइवर्जन, आपको उस तरह के गलत रास्ते पे नहीं जाना है। और सबसे अच्छा है ना, आपको किसी में भी किसी की बात मत सुनो, आप तो प्रीवियस ईयर उठा के देखो कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इस लेवल तक जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है और आप बोलो नहीं नहीं यार ये तो आ सकता है, नहीं बच्चा, आपको अपना लेवल देखना है कि अच्छा किस लेवल तक के हमें क्वेश्चंस जाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, एक और बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में हम कवर करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर कर लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। तो बच्चों आप ये देख लो कि ये आपका, ये मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए। अच्छा, इसमें टॉपिक थोड़े बहुत लिंक जरूर कह सकते हैं, बट अपने आप में बहुत गजब के टॉपिक है। नंबर सिस्टम, अगर मैं सीजीएल, सीएचएसएल है ना, इन सब एग्जाम की बात करूं, इवन एमटीएस की बात करूं, जीडी की भी बात कर लेते हैं, तो ये सब एग्जाम्स में नंबर सिस्टम के आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं पर एल्जेब्रा के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको एल्जेब्रा के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में अपने आप में खुद आपको
कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बहुत जबरदस्त। ठीक है, मेंसुरेशन में इसमें आपको कभी मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता, कोई जरूरी नहीं कि इसमें आपके क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो ज्योमेट्री में कई बार आ जाते हैं। 3D में आपके कई बार आ जाते हैं कई बार नहीं आते, 0 से लेकर 1 क्वेश्चन तक आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें ये भी बहुत गजब का वेटेज है, इसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। तो ये आप देखो सिलेबस थोड़ा सा कम है बट इसका वेटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया, और मैं आज सिर्फ आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश कैसे करते हैं सिलेबस देखकर, और हल्का सा आइडिया हो जाता है कि किस लेवल पे जाना है और किस में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, और आप मेरे ख्याल से आपने पूरा मन बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आज बना लो कि हमें इस SSC CGL का एग्जाम, CHSL MTS GD CPO जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छी रैंक पाना है। ओके, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप आप इस सिलेबस को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। ओके, तो आज इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ और नई प्लानिंग के साथ मैं आपसे मिलूंगा, और एडुकेमी को आप एडुकेमी फॉर ए गवर्नमेंट जो एग्जाम चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पे मैं बहुत गजब की क्लासेस स्टार्ट भी कर रहा हूँ, और साथ में हम आपको हर है ना आपके हर राह में हर जगह आपके साथ रहेंगे, आपको हम PDF देंगे, आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू मोटिवेट भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको जो भी डिटेल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आपको सब डिटेल मिल सकता है, कौन कौन से बैच आने वाले हैं और हमें कैसे है ना हमारे चैनल पे क्या क्या आपको हेल्पफुल चीज़ें मिल सकती है। बाय बच्चा, टेक केयर।